मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस सुबह के वक्त आप सभी लोगों को प्रेम के साथ बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि आप भले चंगे हैं, ऐसा मैं मसीह में विश्वास करता हूं। मेरे प्रिय लोगों, जिस स्मिथ यूट्यूब फैमिली में आप भी एक अंग हो, ये बहुत ही आनंद की बात है। फेसबुक में परिवार मिले हुए हैं, आपको याद करके परमेश्वर की धन्यवाद देता हूँ। ठीक उसी तरह सुबह 5 बजे 5:30 बजे आपसे मिलकर बहुत ही आनंद मिलता है और परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। परमेश्वर की महिमा हो। इस संदेश को सुनकर आप परमेश्वर के लोगों, जितने आपके मित्र हैं सभी लोगों से शेयर कीजिए और उनके लिए प्रार्थना भी कीजिए और कहिए, हे प्रभु, इन सभी लोगों को मैंने शेयर किया है, उन्हें आशीषों से भरपूर कर, उन्हें बड़ा। तब परमेश्वर आपको बहुत ही सामर्थ्यपूर्वक उपयोग करेगा। ठीक है, आज का वचन क्या है मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहले तसलोनिकियों की पुस्तक 1:6। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। प्रेरित पौलुस जो है तसलोनिकियों की कलीसिया को देखकर कहता है, तुम बड़े क्लेश में हो पर आनंद से भरे हो। इस शब्दों को देखिए, बहुत ही क्लेश में हो पर आनंद से भरे हुए हो। उपद्रव में तो हो, कैसे आनंद से रह सकती है, ये हमारा प्रश्न है। पर बहुत ही बड़े क्लेश में अगर तुम आनंद से रहते हो तो उसका कारण, और परमेश्वर की आत्मा बिल्कुल साफ साफ बताता है कि पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर। हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज के दिन अगर कोई दुख आपका गला घोंट रहा है, या फिर आपका चेहरा बिल्कुल दुखी है, या फिर पिछले रात पिछले दिनों में जो समस्याएं हुई वह जो अगर आपके हृदय को जो है दुखी करता है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे दुख को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है। आमीन। बहुत ही बड़े क्लेश के साथ अगर आप गुजर रहे हो मेरे प्रिय लोगों, प्रभु में बिल्कुल साहस बांध कर रहिए। उसने जो अभिषेक आपको दिया है उसमें थोड़ा भरकर अन्य भाषाओं को बोल बोलकर उसकी स्तुति करते रहिए। उस उपद्रव में एक नया बल, वह क्या है, आप अपने आप को और साहस बना लोगे और सामर्थ्य बनोगे, परमेश्वर आपको और दृढ़ करेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पुराने नियम के जो पवित्र लोग थे उनसे भी बढ़कर हम हैं। तो मैं आपसे बताता हूं, कोई भी दुख आपके मन को, आपके बच्चों को, पति पत्नी, आर्थिक समस्याएं या पारिवारिक झगड़े, जो भी अगर आपके मन में है, तो वो दुख देते तो हैं, उसे एक तरफ रखिए, पर उस बीच में परमेश्वर की आत्मा से कहिए, हे पवित्र आत्मा, तुम मेरे साथ हो, तेरा सम्मुख मुझे संभाले। आत्मा में भरकर विभिन्न भाषाएं बोलकर जब तुम प्रार्थना करने लगोगे, परमेश्वर आपके दुख को और आनंद से भरपूर करेगा, तुम्हारे सभी दुखों को जो है आनंद से भरपूर करेगा। आज बहुत सारे लोग जो उपद्रव के बीच में जाते हैं, पर उपद्रव करने वाले लोगों को परमेश्वर जो है बिल्कुल नाकाम कर देता है। आपको भी वैसा ही करने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं, अभी उसके हाथों में सौंप दीजिए। सौंप कर वापिस उसे मत उठाइए, परमेश्वर देख लेगा। परमेश्वर के अनजाने में कुछ नहीं होता है, वह सब कुछ जानता है। ऐसे निश्चय कर लीजिए। प्रार्थना करते हैं, पवित्र पिता परमेश्वर, हे परमेश्वर की आत्मा, हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस छोटे से संदेश के द्वारा आज के दिन तेरे बच्चों के साथ हम मिलकर पहले तसलोनिकियों की पत्री 1:6 के अनुसार जो वचन तूने बोला, तेरा धन्यवाद हो। हे परमेश्वर, बहुत ही उपद्रव में क्लेश में भरे हो तो भी आनंद होने के लिए आनंद का अभिषेक तेरे बच्चों के बीच में आ जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुनकर आज का दिन में जो कुछ भी क्लेश है, वेदना है, दुख है, हे परमेश्वर सभी चीजों को, सभी प्रकार के आंसुओं को उनके हृदय से निकाल दे और कभी ना बदलने वाला तेरा सम्मुख उनके अंदर पूरी तरह से भर जाए। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन। निश्चय रूप से परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर बढ़ता रहे, परमेश्वर की इच्छा, तो फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा।
और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।